विश्व युवा दिवस के मौके पर आज बिहार में कोरोना वैक्सीन की 5 लाख से ज़्यादा डोज पटना पहुंची है। इसको लेकर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और बिहार सरकार के प्रधान सचिव प्रत्युष अमृत पटना पहुंचे एयरपोर्ट पहुंचे थे। आइए सुनिए पटना एयरपोर्ट पर प्रत्युष अमृत ने क्या कुछ कहा। जी बोला जाए सर, आज ऐतिहासिक दिन मानते हैं। निश्चित रूप से पूरे देश के लिए ये बहुत गर्व का दिन है और हम लोग काफ़ी समय से, मैंने आपको पिछले बार भी बताया था, हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं, हमारी तैयारी पूरी है। आज वैक्सीन आ गए हैं, इनको अब हम लोग जो हमारे 10 रीजनल वैक्सीन सेंटर्स है वहाँ हम लोग भेज के, और यह हम लोग की कोशिश रहेगी कल शाम तक सभी जिले में यह वैक्सीन। क्या प्लानिंग है आगे? 16 तारीख पूरे बिहार में 38 जिले में 300 जो जगह चिन्हित किए गए, पूरे देश में 5000, बिहार में 300, तो उसकी शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस 10:45 सुबह वहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री रहेंगे और वहाँ से ये कार्यक्रम को शुरू करेंगे और साइमल्टेनियसली सभी जिले में ये काम किया जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है और लेकिन इस अवसर पर मैं ज़रूर कहूँगा कि जो पहला डोज पड़ रहा है 16 को और इसके बाद 28 दिन के बाद दूसरा डोज पड़ेगा और उसके 14 दिन के बाद जो एंटीबॉडी होता है वो डेवलप करता है। इसका अर्थ है कि जो लोग अपने आप को वैक्सीनेट करा रहे हैं उन लोगों को वैक्सीन दिया जाएगा। आप लोगों के माध्यम से हम लोग ये अपील करेंगे कि जो भी हमारे प्रिकॉशंस हैं, मास्क हो, सोशल डिस्टेंसिंग हो, हाथ का धोना, वो सब लगातार बरकरार रहना चाहिए। सर क्या कहेंगे अभी? वी हैव गॉट 15,000 अभी आया है हम लोग के पास, इनफ एज फार एज हेल्थ केयर वर्कर्स आर कंसर्न। प्रथम चरण में स्वास्थ्य कर्मियों के लिए जल्दी से फिट ले लीजिए, फिट ले लीजिए, जल्दी से फिट ले लीजिए, पर्सनल प्रॉब्लम है। हां सब 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 ले लीजिए, जल्दी से सब थ्रू है, थ्रू है। ये जो आप ग्रामीण इलाके की बात कर रहे हैं उसे तृतीय चरण, अभी प्रथम चरण की बात हम लोग कर रहे हैं। इसके बाद में फ्रंटलाइन वर्कर्स को दिया जाएगा, उनके रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 25 जनवरी है, वो अपने आप को रजिस्टर कराएंगे और उसके बाद तृतीय चरण में जो 50 के ऊपर के लोग हैं, 50 वर्ष के ऊपर या वैसे लोग 50 के नीचे जिनको कोई कोमोर्बिडिटी है, उनके लिए फिर हम लोग डिटेल गाइडलाइंस इंस्ट्रक्शंस इशू करेंगे। उसमें आम आदमी भी अपने आप को वैक्सीनेशन हेतु रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है उसको पूरा कर पाएंगे। ये जो कोविन पोर्टल है जो जिस पर अभी है, ये पूरे अभियान को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रखा गया है, जो इस पूरे अभियान की खूबसूरती है, स्ट्रेंथ है। सारी सूचना आपको अगला डोज कब मिलेगा वो आपके मोबाइल पर आ जाता है, तो ये बहुत स्ट्रांग प्लेटफॉर्म है और ये कोविन प्लेटफॉर्म है। उसी पर आम आदमी को भी जब समय आएगा तृतीय चरण का तब हम लोग सूचित करेंगे। थैंक यू।